नमस्कार 500 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों में डेंगू बना खतरा, डॉक्टरों की सलाह सतर्क रहें और हल्के बुखार में ही कराएं जांच। पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, लेकिन हिम्मत से निपटेंगे, डीजीपी ने दिया ये बयान। सीमा प्रहरियों ने पेश की मिसाल, दुर्घटना में घायल महिला को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। कांग्रेस का आरोप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की निजता पर किया हनन। किसान आंदोलन के पीछे अराजकतावादियों को बेनकाब करने की जरूरत, देश को हो रहा बड़ा नुकसान, बीजेपी ने दिया ये बयान। दक्षिण कश्मीर के पंपोर में एनकाउंटर, पुलिस की गिरफ्त में आया टॉप एलईटी कमांडर उमर मुश्ताक। छत्तीसगढ़ के जंगल में शीर्ष माओवादी कमांडर अक्की राजू ने तोड़ा दम, बस्तर के आईजीपी ने की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में कार से कुचलकर चार लोगों की मौत, लखीमपुर के तर्ज पर 50 लाख की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। श्रीलंकाई नौसेना से 23 मछुआरों की रिहाई के लिए मुरुगन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। वैक्सीन की उपलब्धता और आर्थिक सुधार को लेकर निष्पक्षता की जरूरत, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया ये बयान। पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा ने देर रात भारत पाकिस्तान सीमा का किया दौरा, कहा पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात। विजयदशमी पर एक कार्यक्रम के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे बोले, ठुकराए प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहा है भाजपा। भूटान और चीन के बीच बनी सहमति को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरो लगाया कि मित्रों को खोना ही इस सरकार की विदेश नीति है। हरियाणा में जातीय दंगा भड़काने का आरोप, दहन से पहले ही गिरा दिया रावण का पुतला। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, बोले घटना से हमारा कोई मतलब नहीं, कानून अपना काम करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया विकास में श्रीराम के आदर्श की महत्ता, कहा उसी राह पर चलकर छू रहे उत्कर्ष। यूपी कांग्रेस कमेटी का विस्तार, पीएल पुनिया के चुनाव का अभियान की कमान, विभिन्न समितियां भी गठित। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव ने नेतृत्व पर जताया विश्वास। लखनऊ पॉलिटेक्निक की जमीन पर कब्जे की तैयारी, प्रधानाचार्य ने लगाई मुख्यमंत्री से लेकर प्राविधिक शिक्षा मंत्री तक गुहार। लखनऊ में पीएम और गृह मंत्री का पुतला फूंकने पहुंचे किसान मोर्चा के साथ लोग गिरफ्तार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की कर रहे थे मांग।
आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत। फतेहपुर में 3 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म, दुष्कर्म के बाद की मासूम की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में किसान चौपाल का हुआ आयोजन, अविनाश शुक्ला ने की लोगों के साथ बैठक। सुल्तानपुर में WHUP के ठेकेदार पर जानलेवा हमला, नगर पालिका के दबंग ठेकेदार पर हमला, पहिप जिलाध्यक्ष समेत 2 लोग घायल। बदायूं में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता, फांसी से लटकता मिला शव। बिजनौर में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बाइक सवार 2 की हुई है मौत। रामपुर में आजम खान और बेटे के लिए धरना प्रदर्शन, सफाइयों ने 3 दिवसीय किया धरना प्रदर्शन। फतेहपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम, दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी, सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। कन्नौज में अज्ञात युवक का शव मिला, पेड़ पर लटका मिला शव, शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट, सिंधु बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या, अति दुखद, पुलिस दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। आगरा में प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, साथ ही भाइयों के साथ प्रेमिका हुई गिरफ्तार। बदायूं में बिजली बिल को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा, फर्जी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं बिल। बिजनौर में क्षेत्राधिकारी के दफ्तर पर हंगामा, मौत के मामले में परिजनों ने किया हंगामा, 2 दिन पहले हुई थी युवक की हत्या। बुलंदशहर में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में सपा नेता ने बीजेपी पर किया वार, आदिल जालिस ने चुनाव में जीता किया दावा, अब की बार प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार। मथुरा में घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, यमुना में डूबे 4 श्रद्धालु, 3 लोगों की गोताखोरों ने बचाया। रायबरेली में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, सिंदूर खेला और अभ्य आरती के साथ विदाई, शोभा यात्रा निकाल कर लगाए गए मां के जयकारे। रायबरेली में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम चलाया गया, विधिक जागरूकता अभियान। सीतापुर में रामलीला मेले में हुआ अश्लील डांस, अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल, मंच पर डांसर ने लगाए जमकर ठुमके। ईद मिलादुन्नबी में शामिल हो सकेंगे विदेशी भारतीय, मुशायरों व जलसों का होगा ऑनलाइन प्रसारण।
एनसीईआरटी ने शिक्षकों के लिए बनाए 3 नए पाठ्यक्रम, चयन के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। मिर्जापुर में हाईवे पर पिकअप ने 5 महिलाओं को रौंदा, 2 महिलाओं की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तिरंगी रोशनी से चमकेगा शहर, नगर आयुक्त के निर्देश पर तैयारी। आदिवासी लड़कियों को मिले निःशुल्क आवासीय उच्च शिक्षा, आईपीएफ के अनिश्चितकालीन धरना। देहरादून में कार्मिकों ने नई पेंशन योजना की प्रतियां जलाई, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भाजयुम के बैनर बने चर्चा का विषय। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में अजय भट्ट की सक्रियता बढ़ी, दावेदारों में स्थानीय नेता भी ठोक रहे हैं ताल। कालाडूंडी में हाथियों के आतंक, दहशत में जीने को मजबूर है ग्रामीण। चंपावत में मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन की छापेमारी, मेडिकल व्यवसाय में मचा हड़कंप। चंपावत में सीआईएसएफ के जवानों ने की पूजा, पूर्णागिरी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु। विकासनगर में मोबाइल टावर लगवाने का विरोध, कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा। कालियर में पीएम आवास योजना का मिला लाभ, लाभार्थियों के खातों में डाला गया पैसा। लक्सर में पीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण, कर्मियों पर अधिकारी ने जाहिर की नाराजगी। रुड़की में गंग नहर में बढ़ रही डूबने की घटनाएं, पुलों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। विकासनगर में 2022 चुनाव की तैयारियां तेज, सैकड़ों ग्रामीण भाजपा में हुए शामिल। मसूरी पर्यटकों से पैक, होटल गेस्ट हाउस फुल, यातायात व्यवस्था बनाने में जुटा पुलिस प्रशासन। हल्द्वानी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक होगी बिजली कटौती। महामारी के बाद कॉर्बेट में उमड़े पर्यटक, 63 जिप्सियों से 337 पर्यटकों ने की डे सफारी। पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट हो जाएगा सोरगढ़ किला, सीएम जल्द कर सकते हैं घोषणा। बांग्लादेश में फिर हिंदू धर्म स्थल पर हमला, भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में की तोड़फोड़, श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। ब्रिटेन में एक लैब की भयानक गलती पड़ी भारी, जांच में 43,000 लोगों को बताया संक्रमित।
तालिबान की हिमाकत, काबुल के गुरुद्वारे में घुसे भारी हथियारों से लैस इस्लामिक अमीरात के अधिकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी रवि चौधरी को पेंटागन में अहम पद पर नामित किया। कंधार के शिया मस्जिद में विस्फोट की इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, 60 से अधिक की मौत। पाकिस्तान में आईएसआई मुखिया की नियुक्ति पर बड़ा सियासी बवाल, बैकफुट पर इमरान सरकार, कहा नहीं करेंगे सेना की तौहीन। अमेरिका ने यात्रा पाबंदियां हटाई, 8 नवंबर से फुल वैक्सीनेटेड लोगों को यूएस में मिलेगी एंट्री। विमान सेवा को लेकर तल्खी, तालिबान ने किराया बढ़ाने पर दी चेतावनी तो पीआई ने रोक दी उड़ान सेवा। पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना रिश्तों में दरार, चीनी माल सप्लाई करने से नाराज हुई पाकिस्तानी आर्मी। तालिबान का नया फरमान, कोहुक से बिना सरेआम लोगों को मार कर ना लटकाएं। खाद की बढ़ी हुई कीमतें पूरे साल रहेंगी लागू, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जनता सहकारी बैंक लिमिटेड आया आरबीआई के चंगुल में, 30 लाख रुपए का लगा जुर्माना। मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, 184 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का खुलासा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी, अगले वित्तीय संकट का कारण बन सकती है क्रिप्टो करेंसी। आरबीआई के गवर्नर बोले, भारत अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उदार बनना रहेगा। टैलेंट को हायर करने की होड़, आईटी कंपनियां 1 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स को देगी मौका। चीन में अब गूगल फेसबुक के बाद लिंक्डइन भी होगा बंद, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्री ने की बड़ी डील, मनीष मल्होत्रा की कंपनी में खरीदेगी 40% हिस्सेदारी। आईआरसीटीसी ई कैटरिंग सर्विस यूज करने वालों के लिए काम की खबर, अब सीधे वेंडर से बात कर खाना बुक कर सकते हैं। ट्रेनों में बंद है नियमित खाना पान की सर्विस। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 जगह से मिलेंगे पैसे, मोदी सरकार करेगी जारी। भारत के पूर्व कप्तान का सौराष्ट्र के रणजी क्रिकेट अभी बरोड के 29 साल की उम्र में निधन, इसी साल ठोका था T20 में शतक। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए राहुल द्रविड़ ने भरी हामी, द्रविड़ को मिलेगा 10 करोड़ रुपए का सालाना वेतन। के धुरंधरों ने आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाया, चेन्नई चौथी बार बनी चैंपियन।
मैदान पर धोनी स्टैंड में बेटी जीवा कर रही थी। सीएसके को चीयर साक्षी ने शेयर किया ये प्यारा सा वीडियो। ऋतुराज गायकवाड ने ऑरेंज कैप जीत कर रचा इतिहास, विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे। शुभम गिल के पोस्ट को सारा तेंदुलकर ने किया लाइक, फैंस ने फिर लगाई अटकलें। आईपीएल 2021 के साथ हुआ सीएसके के बड़े मैच विनर सुरेश रैना का करियर खत्म, अब भी जर्सी में नहीं आएगा नजर। आईपीएल चैंपियन सीएसके की ट्रॉफी के साथ मिले 20 करोड़ रुपए, केकेआर टीम भी हुई मालामाल। पाक टीम को मिली बड़ी धमकी, भारत के खिलाफ नहीं जीते तो होगा अंजाम। टीम इंडिया को मिले दो घातक बल्लेबाज, रोहित और धवन जैसा है तब आने वाले समय में करेगी कमाल। आदित्य राय कपूर ने शुरू की थ्रिलर फिल्म थाडम के हिंदी रीमेक की शूटिंग, फिल्म में आदित्य राय कपूर पहली बार डबल रोल में आएंगे नजर। दशहरा ऋतिक के लिए बना स्पेशल, विक्रम वेदा की शूटिंग शुरू हुई, फिल्म 2017 में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म की है ये रीमेक। अदाकारा बेगम फर्रुख जाफर का निधन, गुलाबो सिताबो में फतिमा बेगम का निभाया था किरदार। रोजी द सैफरन चैप्टर की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अगले साल जनवरी में थिएटर में देगी दस्तक। केबीसी के स्टेज पर आई शोले की दूसरी बसंती, जिसे देखकर हेमा मालिनी भी हॉट सीट से खड़ी हो उठ गई। सामंता ने साइन की नई फिल्म शाता रूबन की, लिखी और निर्देशन में करेंगे काम सामंता। आखिरी बार द फैमिली मैन 2 में आई थी नजर। चार जंगलवासियों की बिग बॉस हाउस में हुई शानदार एंट्री, अफसाना ने फांसी अकाला का शॉट। सैफ अली खान इस बार भोपाला पटौदी कप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन कप की मेजबानी फैमिली ब्रांड हाउस ऑफ पटौदी के माध्यम से की जाएगी। हम दो हमारे दो का पहला गाना हुआ रिलीज, कृतिक सैनन और राजकुमार राव फिल्म में लीड रोल में आएंगे नजर। अमिताभ बच्चन ने शो पर हेमा मालिनी के लिए गाया गाना, फैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा धर्म जी को सब बता दूंगा। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।